जो कावड़ उठाकर जा रहा है वो बसपा की सरकार बनाएगा या धर्म के नाम पर योगी की तरफ अपनी सरकार बनाते हैं उनके ऊपर 83 मुकदमा है और उस मुकदमे को वो तुरंत जो है खारिज करा देते हैं। बताइए कहाँ का न्याय है? जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ और आज है हम गोरखपुर मंडल में। जिस तरह से आप यहां का नज़ारा देख सकते हैं बहुत ही मनमोहक नज़ारा है, जिस तरह से चारों तरफ आपको नीला ही नीला दिखाई दे रहा होगा और यहां पर कुछ युवा हमें ऐसे मिले जिनके हाथों में डपली है। कुछ अनोखा तरीका है इनका, तो इन्हीं से जानना चाहेंगे कि इस डपली को लेकर आगे इस रैली में आने का इनका क्या उद्देश्य है। आपका नाम क्या है? अनिल प्रताप बोध। अनु प्रताप बोध जी, आपके हाथ में डपली है तो इसको किस लिए लेकर आए यहाँ पर? इससे साधन इंतजाम के, क्योंकि हमारे पास साधन नहीं, हम साधन विहीन है और इसको बजा के हम लोगों को मनोरंजन कराते हैं और बीएसपी की तरफ आकर्षित करते हैं ताकि लोगों को आकर्षण बना रहे बीएसपी की तरफ और लोग वोट करने, ज्यादा ज्यादा लोग वोट करें जी। तो किस तरह करें थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बताए। बजा रहे बहन जी, तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है। तो क्या लग रहा है 2022 में इस तरह के नारों के साथ में, इस गूंज के साथ में युवा किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है? युवा जो है आज सही दिशा में बढ़ रहा है और 2022 ने 2024 में फतेह करेंगे और दिल्ली तक अपना नीला झंडा फहराएंगे जी। तो क्या लग रहा है जिस तरह से एक तरफ योगी जी भी दमखम भर रहे हैं, एक तरफ अखिलेश जी भी हैं और दूसरी तरफ बहन जी भी हैं, तो क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? देखिए, अब की बार जो सरकार आने वाली है वो बहन जी की सरकार आने वाली है और मैं ये जीना ठोक कर कह सकता हूँ कि अब बहुत हो गया अत्याचार, अब की बार बसपा सरकार, अब की बार बहन जी की सरकार आएगी और हम लोग इस बार बसपा का परचम लहराएंगे। आधार क्या है बहन जी की सरकार आने का? देखिए, बहन जी की सरकार जो होती है वो सर्जन हिताय, सर्जन सुखाय की होती है। सबको रोजगार मिलता है, सबको शिक्षा मिलती है, सबकी साथ सेवाएं मिलती हैं। बसपा का जो बहन जी का प्रशासन होता है सबसे अच्छा होता है। पूरी जनता जान रही है, ये पूरी भीड़ जान रही है, ये पूरी भीड़ जो आई है ये बहन जी को समर्थन करने के लिए आई है और ये बहन जी को लखनऊ पहुँचाने के लिए आई है जी। जिस तरह से हम देख रहे हैं, चाहे किसानों ने आंदोलन किया या युवाओं ने अपने रोजगार को लेकर आंदोलन किया, उसको एक नाम दिया गया है कि आतंकवादी या गुंडा मवाली, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो भी आंदोलन इस सरकार में हो रहा है, पहले सरकार अपने खुद को देख ले वो क्या कर रही है। लोगों के साथ इतना उत्पीड़न कर रही है और वो जानते हैं जब जनता अपना आवाज उठा रही तो उनको आतंकवादी कहा जा रहा है। ये सरासर गलत बात है, मैं इसकी निंदा करता हूँ जी। अब युवा है, युवा होने के नाते क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की लहर है हम देख रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, तो किसकी सरकार बन रही है और क्यों बन रही है? देखिए, मेरा मानना है तो मैं बहुजन समाज पार्टी को बहुत मानता हूँ और धर्म से भी हूँ। इस समय शिक्षा बेरोजगार बहुत, तो बच्चे आज कुछ पढ़ रहे हैं, 400 कोई मान लीजिए नेट हुआ टेट हुआ उसका एग्जाम दे रहे हैं लोग, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी हमारे सरकार जो राज्य में है शिक्षा सबसे बड़ी दिक्कत है जी। उत्तर प्रदेश की राजनीति धर्म पे, जाति पे और क्षेत्र भाषा पे बहुत ज़्यादा चलती है, तो क्या लगता है इस बार विकास पर चलेगी, धर्म पर चलेगी या जाति पर? क्योंकि 2007 से लेके 12 तक लोग बहन जी की सरकार देख चुके हैं और 7 से 12 से लेके 17 तक अखिलेश की सरकार देख ली है, उसमें गुंडा राज चरम पे रहा और योगी की सरकार 22 तक देख ली है। इस पे ज़्यादातर धर्म की राजनीति हुई है और धर्म की राजनीति से किसी देश का विकास नहीं होता, बाबा साहब मानवर साहब ने कहा था। इसीलिए हम पुनः अगर अशोक की धरती को अपनाएंगे, अशोक के साम्राज्य को अपनाएंगे, तो हमको पुनः बहन जी की सरकार को लाना होगा। इसीलिए लाना होगा कि अगर सबका सम्मान सबका विकास चाहिए तो बहन जी को सरकार मिलाना होगा जी। देखिए, सबका सम्मान और सबका विकास चाहिए तो बहन जी की सरकार चाहिए। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? राजा। कहाँ से आए हैं? बासगांव से। वोटर हैं? नहीं। तो किस लिए आए यहाँ पर? देखने आए हैं। क्या देखने आए हो? मैं आती बहन को, बहन जी को देखने आए। पहले देखा है बहन जी को? नहीं, पहली बार आए हो। यस। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना जनता देखकर कभी भी देखा नहीं था, पहली बार जीवन में ऐसा जनता देखा है मैंने। पहले कभी नहीं देखी इतनी जनता? नहीं नहीं। तो आज अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा जी। आपका नाम क्या है? अभयराज बौद्ध। मैम, अभयराज जी कहाँ से आए? जी मैम, गोरखपुर से ही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को किस तरह से देखते हैं? यह मैम की बहन जी की जो हवा है जमीनी स्तर पे, वो मीडिया वाली नहीं है, ये जमीनी स्तर पे। मैम,
लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं जो मीडिया है वो तो सिर्फ अखिलेश और उसको योगी जी को दिखा रहा है, बहन जी को नहीं दिखा रहा, क्या कारण है? अच्छा मैम, कारण जानना अगर चाहती हैं तो यहाँ पे गोदी मीडिया जितनी है थोड़ा खोज के बता दीजिए कोई गोदी मीडिया कवर कर रहा, तो बहन जी को कोई कवर नहीं करना चाहता, क्या कारण है उसका? कारण यही कि जो गोदी मीडिया बिक चुकी है, 14 स्तंभ है जो बिक चुकी है, इसीलिए जो सोशल मीडिया के जरिए जो समाज में अवेयरनेस आई, जागरूकता आई है, यही कारण है कि लोग ज्यादा सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, विश्वास बिलीव कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं। क्या लगता है सोशल मीडिया पर काम कर बसपा की सरकार बन जाएगी? जी मैम देखिए, जो कार्यकर्ता BSP के, ये लोग हुड़दंग करके कभी काम नहीं किए, ये शांतिपूर्वक जो है अपना कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, समाज में लोगों में दौड़ते हैं, और निश्चित पूर्ण विश्वास है, मैं पूरा घमंड के साथ तो नहीं कहता हूँ कि BSP की सरकार आएगी, लेकिन मैं बुढ़ विश्वास के साथ कहता हूँ कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं और अच्छे पोजिशन में लाएंगे। जिस प्रकार BJP कहती कि हम इतना लेके आएंगे, सपा कहती कि हम इतना लेके आएंगे, इनको पता है, लेकिन हमको जो है मेहनत पे ऊपर विश्वास है, इसमें कोई नहीं, लेकिन सपा जो है आएगी 100%। अभी जिस तरह से देख रहे हैं जो वर्तमान की सरकार है वो संविधान को मद्देनजर रखते हुए कितना काम कर रही है? ये BJP सरकार, BJP सरकार जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ के जो गोरखपुर के मुख्यमंत्री हैं वो जैसे ही अपनी सरकार बनाते हैं उनके ऊपर 83 मुकदमा है और उस मुकदमे को वो तुरंत जो है खारिज करा देते हैं। बताइए कहाँ का न्याय है? संविधान की बात नहीं मैम, जो संविधान की बात है, ये सब संविधान को मानने वाले नहीं है, ये सब RSS की विचारधारा को फॉलो करते हैं। अगर संविधान की बात करते हैं लोग, क्या है RSS की विचारधारा? RSS की विचारधारा जो है इनका है कि हम लोग जो कहा जाए स्वर्ण लोग हो, जो है हम 85 को एकदम मुट्ठी में कर ले, उनको पुरानी वाली स्थिति में सिचुएशन में ला के लौटा दें कि वही हरवाह करें, सब चीज करें, ठीक है। उनका जो है मैं जो शिक्षा हमारा पैतृक अधिकार था, जो जन्म लेने के बाद हम विद्यालय में जाते थे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन अगर अब देखा जाए तो हम लोग शिक्षा से दूर हो रहे हैं। पिछले 2 साल से सरकार हमारे साथ ऐसा नाटक कर रही है, हमारे भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रही है जिससे हम लोग टूट गए हैं, बिल्कुल सपना जो देखे थे हम लोग सब टूट चुका है, क्योंकि इस सरकार में बिल्कुल निकम्मी सरकार है, ये किसी भी प्रकार का रोजगार देने का काम नहीं कर रही है। अतः हमें जी जान से माननीय बहन जी का सरकार लाना होगा, क्योंकि एक बहन जी हैं जो हम लोगों के दर्द को, दलित समाज के और बहुजन समाज के दर्द को समझ सकते हैं और हमें न्याय दिला सकते हैं। बहन जी की सरकार लाने के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं आप लोग? बहन जी की सरकार लाने के लिए हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, बच्चा लगा है इस मिशन को कामयाब करने के लिए, और आशा न पूर्ण विश्वास है मैम कि बहन जी की सरकार जो है पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है यूपी में। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि युवाओं को हम बड़े स्तर पर देख रहे हैं कावड़ उठा उठा कर जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि जो कावड़ उठाकर जा रहा है वो बसपा की सरकार बनाएगा या धर्म के नाम पर योगी की तरफ जाएगा? नहीं मैम, देखिए धर्म के आधार पर अब जो है जनता समझदार हो चुकी है, धर्म के आधार पर किसी का भी अगर शोषण होगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा, खासकर धर्म के नाम पर मुसलमानों को, दलितों को टारगेट किया जाता है, इसलिए इस निकम्मी सरकार को हम मुस्लिम और खासकर दलित समाज और मुस्लिम समाज मिल करके माननीय बहन जी का सरकार बनाने जा रही है, और यही हकीकत है, जमीनी हकीकत है। देखिए जिस तरह युवाओं ने यहाँ पर अपनी बात को रखा है और बड़ी ही बेबाक तरीके से रखा है कि जिस तरह से लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जाती है या धर्म के नाम पर जिस तरह से योगी सरकार राजनीति कर रही है, इस पर ना तो धर्म का कार्ड चलेगा और ना ही जाति का कार्ड चलेगा, अगर चलेगा तो हमारी मायावती का कार्ड चलेगा, क्योंकि जो बहन जी का शासन कर रहा है उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे काम बहन कुमारी मायावती ने किए, तो आम जनता की एक उम्मीद है, ये नहीं बल्कि आस है, बहन कुमारी मायावती 2022 में मुख्यमंत्री बनेंगे और इस तरह विकास करेंगी। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा।